माधव सागर ग्रंथ के अंत में मसौदा लिखा है। मसौदे का तात्पर्य होता है प्रस्तावना, यानी ग्रंथ जब पूर्ण होता है तो उसके साथ एक भूमिका अनुभूमिका ऐसे सब जोड़ दिए जाते हैं, कहीं दो शब्द लिखा जाता है, उसको कहते हैं मसौदा। हिंदी साहित्य में गद्य में लिखने की परंपरा पहले नहीं थी, आप जानते हैं कि पहले कागज का भाव हुआ करता था, इसलिए सब सारी रचना काव्य में हुआ करती थी, क्योंकि काव्य को कंठस्थ किया जा सकता है, गद्य को कंठस्थ करना कठिन होता है। चारों वेद, उपनिषद, दर्शन सभी उपनिषद सभी काव्य में है, हाँ दर्शन शास्त्र गद्य में, और यजुर्वेद कहीं गद्य में है कहीं पद्य में, काव्य में दोनों में। ये जो मसौदा का तात्पर्य क्या है, विक्रम 1751 में अंतर्धान लीला हो जाती है, श्री जी के अंतर्धान के पश्चात अधिकतर सुंदर सात विरह में अपना तन छोड़ देते हैं, एक निराशा सी घर कर जाती है, लेकिन आप जानते हैं विशेष परिस्थितियों में अपने जो हृदय को मजबूत रखता है वही कार्य कर सकता है। तारतम वाणी के प्रकाश में सब सुंदर साथ ने यह जान लिया था कि अक्षरातीत हमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते, लेकिन इतना जानते हुए भी समझते हुए भी जिन सुंदर साथ ने श्री जी के पंचभौतिक तन की लीला के साथ अपना समय गुजारा था, उस तन का वियोग उनको सहन नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि श्री जी ने तन छोड़ दिया, वो समाधिस्थ हो गए थे, छत्रसाल जी आते हैं तो छत्रसाल जी को लगता है कि श्री जी ने तन छोड़ दिया, तो कहते हैं कि नहीं थामगनी, मेरे से मिले बिना आप कैसे तन छोड़ सकते हैं, आपको तो मुझे से बात करनी पड़ेगी। जब श्री जी उत्तर नहीं देते हैं तो छत्रसाल जी ने अपनी तलवार निकाल ली थी कि जिस तलवार से यवनों का हमने प्रणाम किया है आज यही तलवार मेरा भी प्रणाम करेगी। जब अपने को समाप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, हंसते हुए श्री जी ने हाथ पकड़ा और कहते हैं कि छत्ता, क्या तूने इस मेरे शरीर को ही प्राण समझ रखा था। वहां से मम छतरपुर से चलते समय रास्ते में केन नदी पड़ती है, महाराज छत्रसाल जी का घोड़ा नदी के बहाव में बहने लगता है, क्योंकि सावन का महीना था। कहते हैं कि छत्रसाल मेरे पीठ पर तेरे घोड़ों के पांव के निशान बने, तुम्हारे घोड़े को तो मैंने ही बचाया था, तुम्हें बचाया था, इसलिए न समझो कि मेरा तन छूट गया, मैं कहाँ हूँ, सबके हृदय में तुम मुझे देखो। और छत्रसाल जी को सांत्वना देकर के पुनः समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ होने का तात्पर्य शरीर छोड़ना नहीं होता, दो तरह की समाधि होती है, एक तो ध्यानजन्य समाधि जिसमें शरीर जड़ की तरह हो जाता है, और एक शरीर छूटने के बाद मृतक शरीर को जमीन में गाड़ा जाता है, तो उसको भी समाधि कहते हैं। श्वेतासुर प्रसंग में एक वर्णन आता है कि जो व्यक्ति पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो महाप्रलय तक अपने तन को रख सकता है, हाँ लेकिन वो रोटी दाल चावल नहीं खाएगा, उसके रहने की प्रक्रिया कुछ अलग होती है, उसकी दिनचर्या अलग होती है। ये तो महान योगियों की बात है जो समाधि अवस्था प्राप्त करने के बाद पंचभूत पर विजय प्राप्त कर लिए होते हैं और इच्छित समय तक शरीर छोड़ उसको रख सकने की सामर्थ्य में होती है। श्री जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो प्रकृति की मर्यादा को निभाना भी चाहते थे और अपना कार्य भी करना चाहते थे, इसलिए संसार को तो बता दिया गया है कि अब हमारा धाम गमन हो गया। धाम गमन होने का तात्पर्य क्या होता है, यह नहीं कि शरीर छोड़ देना, हम सुंदर साथ जब शरीर छोड़ते हैं तो बात कही जाती है कि हमारा धाम गमन हो गया है, यानी हमने पंचभौतिक तन को छोड़कर महामती जी के धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत के चरणों में अपना स्थान बना लिया है, इसको कहते हैं धाम गमन। पौड़े बेले जागसी बेले खेल देखे सबोई, साथ आए हैं तो साथ जाएंगे, परम धाम जाने का अभी प्रसंग नहीं आया। ऐसा नहीं है कि कोई आगे कोई पीछे परम धाम जाएगा, सभी साथ आए हैं तो सबको साथ जाना होगा, हाँ प्रेम के मार्ग पर कोई पहले चलेगा कोई बाद में चलेगा, कोई आगे कोई पीछे, इसलिए सबको
पहले इस जिन लिया सोई स्वर्गे को। ब्रह्म सृष्टि का कार्य है कि तारतम ज्ञान के प्रकाश में धनी के प्रेम का मार्ग अपनाए। इसी को कहते हैं कि वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है जिसने तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर अपने हृदय में धनी की शोभा को बसाया। यही बात ये केशव दास से, जिनको धाम धनी ने आज्ञा दी थी कि केशव दास मेरी अंतर्धान लीला के पश्चात तुम्हें वाणी का संग्रह करना होगा और उसकी जिल्द बांधनी होगी, बाइंडिंग करनी होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मोहम्मद साहब के तन रहते कुरान उतरा था और उसको सभी ने याद किया था, लेकिन आप जानते हैं यदि कोई प्रमाण न हो कि यही वास्तविकता है तो सभी ग्रंथों में हेर फेर करने की प्रक्रिया रही है। आप जानते हैं लालदास जी की बीतक की पहली चौपाई है भविष्य पुराण में राजा कहे जुटता, लेकिन उसमें कितना परिवर्तन कर दिया गया। उसमें 600 से ज्यादा चौपाइयां ब्रजलीला रास और परमधाम की जोड़ दी गई हैं, जो आज से कुछ वर्ष पहले नौतनपुरी धाम से प्रकाशित हुई थी। यहाँ तक कि लालदास जी के मूल बीतक में भी कई चौपाइयों में हेर फेर कर दिया गया। कुरान जब अवतरित हुआ था तो मैंने अभी बात कही थी, कुरान में 60,000 हरफ कहे गए थे क्योंकि जो मार्फत के 30,000 हरूफ थे उसको कहने का अधिकार मोहम्मद साहब के स्वरूप को नहीं दिया गया था। लेकिन मुआविया के प्रभाव से, मुआविया ने मजीद का जब राज्य हुआ, अबू बकर उमर उस्मान का जब राज्य चला, उन्होंने काफी कुछ हेर फेर की। जब अली का समय आया था तो उन्होंने काफी जो कुछ हेर फेर किया गया था उसको निकाल दिया और आज कुरान के नाम पर जो विघटन होता है, झगड़ा होता है, क्योंकि कुरान का अर्थ पहले जो मूल कुरान उतरा था उसके भाव तो सबको मालूम थे, लेकिन जब लिखा जा गया तो व्याकरण ग्रामर का उसमें प्रयोग किया गया और आप जानते हैं कि थोड़े से हेर फेर से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे आप बाइबल को देखिए, मूल बाइबल हिब्रू भाषा में थी, जब उसका अंग्रेजी में रूपांतरण होता है तो भाव में परिवर्तन हो जाता है। जो बात मूल बाइबल में नहीं कही गई है वो अंग्रेजी की बाइबल में मिलेगी और अंग्रेजी से अन्य सभी संसार की लगभग सभी भाषाओं में बाइबल के मानने वालों ने अनुवाद कर दिया होगा, उसमें वास्तविक तथ्य छिप जाता है। आज जो बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, 24 जैन मत के तीर्थंकर में किसी ने अपनी कलम से कुछ नहीं लिखा है, उनके शिष्यों ने उनके विचारों का संग्रह किया और उसको लिपिबद्ध कर दिया, जो अप्रमाणिक माने जाते हैं। महावीर स्वामी ने क्या कहा है कोई निश्चित नहीं है कि उनके शिष्यों ने उसको वैसे ही रूप में प्रस्तुत किया हो, क्योंकि जब मनुष्य की लेखनी चलने लगती है तो पता नहीं, यदि आध्यात्मिक स्तर हुआ नहीं होता है तो कुछ का कुछ लिख जाता है और आने वाली पीढ़ियां उसके भटकाव के मार्ग पर चल पड़ती है। आज जो विश्व में आतंकवाद फैल रहा है इसका मूल कारण क्या है? कुरान की उल्टी व्याख्या कि एक गैर मुस्लिम को इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है और उसको समाप्त करने के लिए हथियार उठाओ, यही आईएसआईएस की विचारधारा है जो सारे संसार में खून का तांडव मचा रही है। यदि आप देखें तो जो बाइबल का न्यू टेस्टामेंट में है उसमें लूका, यूहन्ना, मत्ती, इन सबके विचारों का संग्रह है। ये ईसा मसीह के कई सौ बार ये सारी ग्रंथ लिखे गए जो न्यू टेस्टामेंट के अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ईसा मसीह ने एक पंक्ति भी बाइबल में नहीं लिखी है, गौतम बुद्ध ने एक पंक्ति भी बौद्ध दर्शन में नहीं लिखी है, लेकिन बुद्ध और मसीह के नाम से जो साहित्य आज संसार में प्रचलित है उसको ही कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है, ईसा मसीह ने ऐसा कहा है। परमधाम की आत्माएं भी उस राह पर न चल पड़े इसलिए श्री जी का निर्देश था और उस निर्देश को पूरा करने के लिए केशव दास जी ने यह उत्तरदायित्व निभाया। श्री जी के तथा लीला के पश्चात चोपड़ा जी, आप जानते हैं पन्ना जी में जाते हैं, चोपड़ा जी की गुमटियां हैं कुछ, उसमें बैठकर महाराज केशव दास जी ने यह मसौदा लिखा है। उसके कुछ एक दो विवादास्पद बातें पढ़ने में समझ में नहीं आती, उसका बाएं अर्थ करें तो लगता है कि विवाद खड़ा हो जाएगा। जैसे एक है
ऐसे समिया भाव के कारण पूरे मसौदे की चर्चा नहीं हो सकती। मैं मुख्य प्रसंगों को व्यक्त कर रहा हूँ। इस वास्ते जो कोई अरवा अर्थ सजीव की हो और इल्म लदुन्नी सो जागृत हुई हो और हुक्म मदद करें और हक हादी हिम्मत देवे। हक हादी का तात्पर्य राज्य समाज, हादी का अर्थ होता है हिदायत करने वाला, हक अर्थात राज्य। कहीं प्राण राज्य को हादी कहा गया है। तीनों हादी खेल दिखाए के दो गिरोह ने आगे बता, लेकिन बीतक में एक चौपाई आती है, रसूल मोहम्मद रूहल्ला और मेहदी इमाम, ये चारों एक कहते हैं या को नाम दीन इस्लाम। इसमें चारों स्वरूप इमाम का अर्थ यहाँ राज्य से लिया जाएगा, शेष तीनों स्वरूपों का प्रसंग। राज्य को बाणी में कई जगह इमाम शब्द भी कहा गया है। मैं अंग इमाम को मोमिन मेरे अंग भी चाहे तीन वास्ते करूँ सब एक रंग संग। मैं अंग इमाम को मोमिन मेरे अंग, मोमिन मेरे अंग हैं ये बात केवल श्यामा जी कह सकती है क्योंकि सभी ब्रह्म शिक्षा उनके अंग हैं। और मैं अंग इमाम को इमाम करती हूँ राज्य लिया जाएगा, यहाँ के बारह इमामों से कोई लेना देना नहीं। किस शब्द का क्या अर्थ होगा प्रसंग के अनुसार हमें करना पड़ता है, वैसे ही हादी का क्या अर्थ होगा जो हमें हिदायत दे रहा हो। इस संसार में तीनों सूरतों के रूप में तीन हादी का स्वरूप है, लेकिन जब सभी के ऊपर नींद का आवरण है तो हमें हिदायत कौन देगा? राज्य। इसलिए कहीं कहीं राज्य को हक कहा जाएगा तो कहीं कहीं वाणी में कहीं हादी भी कह दिया गया है। आगे कहते हैं और हुक्म मदद करे और हक हादी हिम्मत देवे, तो सूरत हक हादी के कदमों बांध के इस फानी वजूद को उड़ावे और बीच अर्श अजीम के उठ खड़ी हो और मिलाप हमेशगी का सुख लेवे। ये बात आपको लगेगी कि यदि तारतम वाणी का हम चिंतन कर लेते हैं, चितवनी कर लेते हैं, तो हमारे दिल में यदि धनी की शोभा बस जाती है, क्योंकि ऊपर के प्रसंग में कहा गया है आखिर के मोमिन आकिल हैं और हिदायत हक की लगी है, सब विधों कामिल हैं, जिनके दिल अर्श में सूरत खुदाई की उगी है और एक कलाम भी हादी ने मोमिनों को कहे हैं, तो हुक्म से मोमिनों को जरूर सीख लेना चाहिए। आप सोचिए उनके लिए कहा जाता है जिनके हृदय में सूरत खुदाई की उगी है, इसका तात्पर्य क्या? पूरन स्वरूप हक का आए बैठा मैं दिल, तो अंग सभी आत्म के उठखड़े समय। जिन सुंदर साहब ने तारतम वाणी से धनी के स्वरूप की पहचान की है और अपने दिल में धनी की शोभा को बसाया है, उनके लिए कहा गया है कि दिल जिनके दिल अर्श में सूरत खुदाई की उगी है, उनकी आत्मा तन छोड़ने के बाद अर्श अजीम में खड़ी होती है। तो प्रश्न ये हो गया कि तो ये परातम जागृत हो गए, तो ऐसा नहीं है। वाणी के किसी भी प्रसंग का अर्थ हम वाणी के अनुसार करेंगे, ये मसौदा आवेशिक कथन नहीं है, एक बात को ध्यान में रखना होगा। लेकिन प्रश्न ये होता है कि केशवदास जी महाराज जिन्होंने अपना सारा जीवन श्री जी के चरणों की छत्रछाया में गुजारा हो, क्या वो वाणी के विपरीत कथन कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। हमें इसका बातिनी अर्थ करना होगा कि अर्श बीच अर्श अजीम के उठ खड़ी होए और मिलाप हमें इसके का सुख लेवे। अर्श अजीम में खड़े होने का तात्पर्य यह आभास करना कि मेरी परात्मा मूल मिलावे में है और धनी के चरणों में बैठी हुई है। इसी को कहेंगे बीच अर्श अजीम के उठ खड़ी होए, यानी यहीं बैठे बैठे परातम की शोभा को देखना। ऐसा नहीं समझिए कि सबकी परातम पर फरामोशी छाई रहेगी और एक ब्रह्मशिष्ट जो जागृत कर लेगी वो परातम में उठकर खड़ी होगी। बाह्य अर्थ करेंगे तो ऐसा ही अर्थ निकलेगा कि परातम में जागृत हो जाएगी, परातम में जागृत नहीं होगी। जैसे एक भ्रांति चल गई है परातम से देखने की बात, कई भजन भी बन गए हैं, देखो रे पिया को परातम से देखा जो अर्श पिया। कहीं भी वाणी में नहीं लिखा है कि परातम से देखा जाएगा, आत्मा से परातम को देखा जाएगा। पर आत्म को आत्म देख सी तब डलसी लुटो फिर जी। खिलवत के पहले प्रकरण में कह दिया गया है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपको देख नहीं पा रही, मेरे नजरों में जहान संसार दिखाई दे रहा है, न आपको देख पा रही हूँ
न अपने को देख रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं माया के संसार में हूँ। सच ये है कि मैं मूल मिलाव में अपने नूरी तन से आपके सामने बैठी हूँ। जब कोई भी परात फरामोशी में है तो अपने सामने बैठे हुए ईश्वर स्वरूप को नहीं देख पा रही है। तो ये कहना कि कुछ पर फरामोशी बनी रहे और जो चित्वनि कर लेगा पर आत्म में जागृत हो जाएगा, ये सच नहीं है। इसलिए सपनों के बाह्य अर्थ करने की अपेक्षा उसके में कोई भाव को लेना पड़ेगा कि धामधनी ने मूल वाणी में क्या कहा है। जो मूल वाणी में सिद्धांत है उसी सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम कहें कि मसौदे में लिखा है कि सूरत बीच अर्श अजीम के उठ खड़ी हो, तो हम तो धन छोड़ने के बाद सीधे परातन में जागृत हो जाते हैं। जैसे आजकल एक विचारधारा चल पड़ी है कि धन छोड़ने के बाद कोई भी आत्मा श्री जी के चरणों में नहीं जाती है, सीधे परम धाम चली जाती है। उसकी उसको समर्थन इस मसौदे से मिल रहा है, क्योंकि इस विचारधारा के लोगों ने पूरी वाणी की चौपाइयों करने के नहीं देखा और कह देते कि देखिए मसौदे में तो लिखा है कि सूरत अर्श अजीम में खड़ी हो। तो खड़ी होने का भाव हमें ले लेना पड़ेगा। आगे और एक और बात कही जाती है जिसके शब्दों का बाह्य अर्थ लेने से दूसरा विवाद खड़ा होता है, और वह विवाद जानबूझ करके पैदा किया जाता है, क्योंकि विद्वानों का स्वभाव होता है जब वो देखते हैं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक विद्वान सन्यासी थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनके मुख से सही संस्कार्थ हो रहा था, संस्कृत का एक शब्द अशुद्ध निकल गया। विपक्षी विद्वान ने टोक दिया कि आपने अशुद्ध बोला है। उस विद्वान ने कहा कि मैं सन्यासी, इतना बड़ा विद्वान, मेरी बात को गलत करते हो। मैंने अशुद्ध नहीं बोला है, शुद्ध बोला है, और इसको सिद्ध करने के लिए पूरा व्याकरण का ग्रंथ ही रच दिया जिसको कहते हैं मुक्तबोध व्याकरण। उनका दिल जानता है कि मैंने गलत बोला है, लेकिन गलती स्वीकार कर लेंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। इसलिए एक नया ही व्याकरण शास्त्र रच दो कि तुम अष्टाध्यायी से बात कर रहे हो, तुम्हारा अष्टाध्यायी भी झूठा, उसका तुम अर्थ सही नहीं कर रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। जब विद्वान का अहंकार टकराता है तो ये नहीं सोचता कि आने वाली पीढ़ी कैसे भटकेगी, वह अर्थ का अनर्थ कर देता है। इसलिए चूंकि पहले ही उन्होंने कह दिया है, अब भाई मोमिन इन चौपाइयों के हरफ हरफ के मायने मगज जहर के और बातूम के रूह की नजर खोल के लेंगे, और दिल अर्श में और हक हदी के बेशक इन लदूनी से विचारेंगे और कल कौन फैल में लाओगे, तभी हाल में आदमी हाथी के कदमों कदम देंगे। क्या कह दिया है केशवदास जी ने कि जो ब्रह्मनी होंगे इस तारतम वाणी के जाहिरी अर्थ भी देंगे और बातिनी अर्थ भी देंगे। बातूनी अर्थ लेकर उसको आचरण में ले आओगे और जो मार्ग श्री जी ने दर्शाया है उस पर आचरण करेंगे। यानी कहने का केशवदास जी का अर्थ क्या, भाव क्या है, जो धामधनी ने वाणी में कहा है वह मान्य है, लेकिन इस मसौदे का बाह्य अर्थ लेकर समाज में कई उल्टी विचारधाराएं फैलाई जाती हैं। पहली जो विचारधारा थी पर आत्म में जागृत होने की थी, और दूसरी विचारधारा जो फैलाई जा रही है कि प्राणनाथ जी भी परम धाम चले गए, वो इस मसौदे से सिद्ध किया जाता है। इसमें लिखा है और हुक्म मदद करें और हक हादी हिम्मत देवे, तो सूरत हक हक हादी के कदमों बांध के इस फानी वजूद को उड़ा ले और बीच अर्सजिम के उठ खड़ी हुए और मिलाप मिस्की का सुख लेवे। हादी ने दरवाजा बका का खुल लिया है, केते के यारों को लेके आप अर्श सिधारे और अपने जो तन हैं तिनको बुलाते हैं, ताकि साख ए चौपाई क्यामत नमा की सुनत बिछोहा हादी का पीछा साबित रखे पिंड दिख दिख पड़ोती अकले व नाहे बदले कंठ। इसका बाह्य अर्थ क्या होगा कि केते यारों को लेके अर्श सिधारे, अर्श सिधारे भेदवाणी में एक चौपाई आती है कि दोए लीला जो करी सिधारे बतन, फिर ब्रह्मांड ये तीसरा ले आए अपन। सिधारे बतन दोए लीला पहले करी, सिधारे बतन ब्रज और रास की लीला करने के पश्चात, सिधारे बतन का अर्थ होगा परम धाम सिधारे।
तो अपनी बात की पुष्टि के लिए कोई भी साक्षी दे सकता है कि देखिए बेहद वाणी में सिधारे वतन का अर्थ है परम धाम लेकर गए, तो यहाँ भी लिखा है कितेक यारों को लेके आप अर्श सिधारे, कुछ सुंदर साहब को लेकर परम धाम चले गए श्री जी और सबको यहाँ छोड़ गए कि तुम छठे दिन की लीला में जागरी करो। मसौदा पढ़कर तो कोई भी अपनी बात की पुष्टि कर सकता है, लेकिन केशवदास जी ने शर्त लगा दी है कि इन शब्दों के बातिनी अर्थ लेने होंगे, बाह्य अर्थों से नहीं घटेगा। आप देखिए वाणी में क्या लिखा है, पौड़े बेले जागसी बेले खेल देख्या सबो एक, वाता कृषि जुदी जुदी विधविध की विषय, साथ आए हैं साथ जाएंगे। इसलिए ये कहना कि श्री जी कुछ को लेकर के परम धाम चले गए और सबको यहाँ छोड़ गए हैं बाहरी मानना है, कुछ को लेकर के चले गए हैं का तात्पर्य क्या है, श्री जी के पंचभौतिक तन के रहते रहते, एक बात मैं बता दूं, श्री जी की अंतर्ध्यान लीला तो जब हो गई थी फिर भी कितना भी समझाने पर लाल दास जी छत्रसाल जी समझ नहीं पा रहे थे, भावुक हो चुके थे कि यदि श्री जी नहीं तो हम क्यों रहे। फिर श्री जी ने कहा कि देखो भाई मैं ध्यान अवस्थित रह करूंगा, अमुक समय पर तुम जब भी इच्छा हो आ जाया करो, कोई भी बात हो तो। लाल दास जी हैं, भीम भाई हैं, मुकुंद दास जी हैं, छत्रसाल जी हैं, किसी समस्या का समाधान करना होता तो गुम्बद जी की सीढ़ियों से नीचे उतर कर तखाने में जहाँ श्री जी झूले पर विराजमान हैं चले जाते थे, और जैसे प्रत्यक्ष हम आप बात कर रहे हैं श्री जी साक्षात सबसे बातचीत करते थे, सबको वास्तविक असह स्पष्ट करते थे। एक दिन एक बुढ़िया भी पीछे पीछे चली गई, और आप जानते हैं बुढ़ापे में मोह सबसे ज्यादा होता है, पुरुषों को तो कम होगा महिलाओं को सबसे ज्यादा होता है, और मोह क्या होता है, मेरी पोती या मेरे पोते की शादी कैसे हो जाएगी। वो बुढ़िया भी पहुंच गई और श्री जी से कहने लगे कि धामधनी मेरी बेटी या पोते की शादी नहीं हो पा रही है, आप कृपा कर दीजिए। श्री जी ने अपनी अंगूठी उतार कर उसको दे दी, कहा कि ठीक है ये ले जाओ इससे विवाह कर लो। छत्रसाल जी को कह दिया कि अब ये दरवाजा बंद कर दो, किसी के लिए भी कोई आने ना पाए, क्योंकि पड़ोस में भी बातें चलने लगी थी कि सुना जाता है कि प्राणनाथ जी से छत्रसाल जी लालनाथ जी बात करते हैं, तो क्या प्राणनाथ जी अभी भी जिंदा है या भूत हो गए हैं, किससे बात कर रहे हैं, दुनिया इस लीला को क्या समझे। आप देखेंगे चिरंजीवी सात चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा बल व्यास विभीषण हनुमान जी परशुराम जी और कृपाचार्य, इनकी मृत्यु आज भी नहीं हुई है, ये भी आज भी सुख सृष्टि से विचरण किया करते हैं। यदि ये सात चिरंजीवी जो जीव सृष्टि के महापुरुष हैं लाखों वर्षों से आज तक जीवित रह सकते हैं, ऋषि मुनि योगी यदि हजारों वर्षों तक रह सकते हैं, तो 300-400 साल में हमें क्या लगता है कि श्री जी का तन छूट गया था, ऐसा नहीं। जब तक ये जागरी लीला चल रही है महामती जी वैसे ही उनके तन में आवेश स्वरूप विराजमान है, हाँ समाधि अवस्था में विराजमान है, ध्यान अवस्था में, एक एक बार की समाधि। अभी मैंने उस दिन उदाहरण भी कहा था, भगवान श्री कहते कि माँ परब्रह्म को जानने के लिए मैंने जो दिव्य समाधि लगाई उसमें 5000 वर्षों तक मैंने वो दिव्य समाधि को लगाया। यदि भगवान जी 5000 वर्षों तक समाधि लगाए बैठे रह सकते हैं, तो महामती जी भी 400 साल लगाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। वही बात अब इस प्रसंग का जो उन्होंने चौपाई दी है कि श्री जी कुछ के साथ परम धाम पधार गए, परम धाम पधारने का तात्पर्य क्या है, अक्षरातीत का धाम कहाँ है, ऊपर तले अर्श में गया अर्श गया मौन करो। छत्रसाल जी से तभी कहता कि छत्ता महाराजा जी सो कहिया एक देखत हो तुम तिस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलते हैं, तो मुझे देखना चाहते हो तो सब सुंदर साथ में मुझे देखो। ये तो ये उपदेश तो वेद का उपदेश है, तत्र काम मोहा का सुखा ये तुम अनुपस्थित सब में आप अपनी चेतना को देखिए, यदि आप सब में स्वयं को देखेंगे तो मोह और शोक से रहित हो जाएंगे, तब आप वर्ग से प्रांत से जाति से परिवार से सबसे अलग हटकर एक विश्वात्मा को देखेंगे, एक परम तत्व को देखेंगे कि सबके अंदर तो वही चेतना है, मनुष्य मोह शोक में कब पड़ा रहता है,
अपने परिवार के लिए वो प्राण लुटाता है, दूसरे के पड़ोस में किसी का पड़ोसी मर भी जाए तो घर में आकर के हंसता खेलता रहता है। वो सोचते हैं कि मेरा घर वाला थोड़े मरा है, लेकिन जो सबके अंदर स्वयं को दिखेगा वो साधारण प्राणी नहीं होता। वेद ने यही उपदेश दिया था। अब सब सुंदर साथ के लिए शिव जी का सिखापन है। छत्रसाल जी को कह रहे कि छत्रसाल तुम मुझे सबके धाम हृदय में देखो, यदि तुमने मेरे स्वरूप की पहचान की है, मुझे अक्षरातीत मानकर आरती उतारी है, तो ये केवल महामति की कथन में न देखो, मैं सबके धाम हृदय में। आप ये बात ध्यान में रखिए, वाणी की एक चौपाई का कथन है। जब मुसाफ गिरोह आदि चली, पीछे दुनी रहे क्यों कर, एक खेल किया चीन वास्ते सो जागी अपने सड़क पर। मुसाफ गिरोह आदि चली, पीछे दुनी रहे क्यों कर, यदि ब्रह्म सृष्टि चली गई है तो एक खेल नहीं रह सकता, आगे पीछे नहीं होगा। वैदत की लीला एक साथ हुई है, परम धाम की सभी ब्रह्म सृष्टियां ब्रज में एक साथ आई, रास में एक साथ गई, जागने के ब्रह्मांड में एक साथ आई है और एक साथ जाएंगी। ऐसा नहीं कि जो चितवनी कर लेगा वो पहले परात्म में जागृत हो जाएगा। परात्म में जागने की बात मिथ्या है, परात्म वैदत में है, इसलिए वैदत में लीला एक साथ होगी। हाँ, जैसे किसी आंसू की लीला को देखकर टीवी के पिक्चर पर आप देखते हैं, टीवी में पिक्चर का दृश्य, तो कभी आप हंसते हैं कभी आप रोते हैं, वैसे ही चेहरे पर भाव आ सकता है वैसे लीला को देखते हुए। लेकिन परात्म जो वैदत में है, सबकी जागने लीला एक साथ होगी और राज्य सबको छोड़कर परम धाम अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि कह दिया एक खेल किया जिन वास्ते सो जागे अपने सरद पर। जब पहले कह दिया मैं रह न सको रूह बिन, रूहे रह न सके मुझ बिन, जब पहचान हुई बातों तब सहने भी छोड़ के, तो सबको छोड़कर राज्य क्यों चले जाएंगे? क्या छत्रसाल जी को कह गए कि छत्रसाल तुम जागने करना, मैं अभी परम धाम पहुंच रहा हूँ? तो छत्रसाल जी के तन से आवेश लीला साथ साथ कैसे हो गई? गोपाल मणि जी महाराज के तन से लीला कैसे होगी? युगल दास को किसने दर्शन दिया? गोपाल मणि जी महाराज को किसने दर्शन दिया? भैया सीताराम जी को किसने दर्शन दिया? परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी को किसने दर्शन दिया? हमें समझना होगा इस रहस्य को कि ये जो कहा गया है केते की यारों को लेके आप अर्श सिधारे और अपने जो तन है उनको बुलाते हैं कि तुम भी आ जाओ, ये लक्षण, ये बाह्य अर्थ है। वास्तविक अर्थ क्या है? श्री जी ने अपने समय में जो सुंदर साध थे उनकी जागनी लीला में महामति जी के तन के साथ जो जागनी लीला हो रही है, उनके साथ जित सुंदर साध ने चितवनी की, सबको क्या कहा? अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो सभी होशियार, खिल एक क्षण के विलम्ब न की जो जाए करो करी कर, मैं चितवनी में कर लग रहा हूँ और सबको मेरे साथ चितवनी में लगना होगा। अब हम रही उन्हें जावी मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ आवी संसार लगत लगी। सबके लिए सिखापन है कि मुझे संसार अच्छा नहीं लग रहा है, सब सुंदर साथ भी मेरे साथ चितवनी करें, ये भाव है। कुछ को लेकर पधारे हैं, यानी उस समय सभी आत्माएं तो जागृत थी नहीं, 500 ब्रह्म सृष्टि थी और उन 500 की सुरता को राज्य ने कहा कि तुम परम धाम में अपना ध्यान केंद्रित करो। मेहती हत्या करते ही घर इमाम बताईरा, पहुंचे अर्श में राज में, हस में लिया रुए खुदा, चितवनी करके उन सुंदर साथ ने मूल स्वरूप को देखा। अर्श वका पर सीता करावसी इमाम, जिनको अर्श वका पर मूल मिलावे में ध्यान करवाया, मूल मिलावे के स्वरूप में प्रणाम करवाया, उनकी शोभा को दिल में बसाया, उनके लिए कहा गया है कहते हैं कि यारों को लेके आप अर्श सिधारे। ये नहीं समझना चाहिए कि श्री जी भी अपने परम धाम में चले गए। हमारे समाज के एक महान विद्वान है, उन्होंने जानते हैं क्या चर्चा की? चर्चा में एक दृष्टांत दिया कि जैसे एक महाराज जी का नाम लिया कि उनकी गाड़ी में हम जा रहे हैं और महाराज जी जब गाड़ी से उतर जाए, जब गाड़ी से में चल बैठेंगे तो विदा करेंगे तो हम उनको प्रणाम करेंगे, यानी गाड़ी में बैठे हुए को दूर से देखने को लगेगा कि हम गाड़ी को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन जब गाड़ी से उतर कर चले जाएंगे तो हम महाराज जी को प्रणाम करेंगे न कि गाड़ी को प्रणाम करेंगे। आप जानते हैं उनका आशय क्या था? कि घूमर जी में तो कुछ है नहीं, महिराज का जड़ शरीर है और प्राणनाथ जी परम धाम चल गए, और उनकी विचारधारा थी
कौन जागृत कर रहा है? जागनी कौन कर रहा है? नारायण कर रहा है। क्या नारायण परमधाम की वाणी सुनाएगा? और वो छोटे मोटे विद्वान नहीं है, एक महान स्थान के महान विद्वान कहे जाते हैं, सबसे बड़े विद्वान वो सीधी साहब ज्ञानपीठ में वो करते हुए। ऐसी विचारधारा पर हंसी आती है, न जाने कितनों विद्यार्थियों को वो तालीम दे चुके हैं, जिन्होंने तालीम ली होगी उन्होंने भी तो ऐसी विचारधारा प्रस्तुत कर रखी होगी। समाज में ये भ्रांति चल गई है कि प्राणनाथ जी उस तन को छोड़कर परम धाम चले गए हैं और वहाँ से कर कह रहे हैं कि सुमत बिछुआ आदि का पीछे साबित रखे पिंड धिक पढ़ो तीन अकली मन नहीं बदली अखंड। इसका भाव तो यही आता है कि तुम क्यों माया में लग रहे हो, तुम भी जल्दी से जल्दी तन छोड़ करके आ जाओ। प्रश्न ये है, जरूर बुला रहे हैं राज जी। सिद्धि में आपने वो पढ़ा होगा कि जो बुलाने पर नहीं आती है सो औरत बेतवा। जो ब्रह्मात्मा वाणी की पुकार सुनकर मूल स्वरूप के चरणों में नहीं आती है, अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर पाती है, उसको बेतबार करते हैं, यानी वो विश्वास करने योग्य नहीं है, वो परम धाम की प्रविष्टि नहीं है। आशय कुछ और होता है और तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ विकृत कर दिया जाता है। सारे समाज में यही भ्रांति चल रही है। क्या बात हमें की चौपाई आती है, मोहम्मद ले चले उम्मत खास, पहुंचे जहां साहेब विलास, पीछे रहे जो दाना घास, सो सब दुनिया की पैदास। मोहम्मद ले चले उम्मत खास यानी ब्रह्म सृष्टियों को लेकर सबको लेकर परम धाम चले गए और अब जो कुछ बची है केवल जीव सृष्टि बची है। ऐसा नहीं है तो परमहंस महाराज श्री रामदन दास जी भी तो जीव सृष्टि में हो जाएंगे, भैया सीताराम जी भी जीव हो जाएंगे। बात किस प्रसंग में कही जा रही है उसको हम ध्यान नहीं देंगे, अंतरात्मा की पुकार नहीं सुनेंगे, केवल शब्दों के बाहर अर्थ लेंगे तो ये विकृति आ जाएगी। मोहम्मद ले चले उम्मत खास का तात्पर्य क्या है? परम धाम की आत्माओं को आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी ने तारतम ज्ञान के प्रकाश में परम धाम की सैर कराई। जो उस ज्ञान का प्रकाश ले लेगा वो परम धाम के 25 पक्षों में विचार करेगा, युगल स्वरूप की छवि को अपने हृदय में बसाएगा, पीछे रहे जो दाना घास। लेकिन जो ये ऐसा कार्य नहीं करेगा सो सब दुनिया की पैदा, समझ लीजिए कि वो जीव सृष्टि है। कहने का तात्पर्य क्या, जो चितवनि नहीं करेगा, तारतम वाणी का मंथन नहीं करेगा सो सब क्या होगा, इस चौपाई में मैंने कर दिया, पीछे रहे जो दाना घास सो सब दुनिया की पैदा। उस तरह से आप समझिए। आगे कह रहे हैं, आज हमारे हादी को बीच पड़ते के लिए 2 महीने और 10 रोज हुए, सो आज हमारे मेघों की सालगिरह का दिन है, यानी जन उत्सव 76वां तमाम हुआ। संवत 1748 में मार्फत सागर उतर चुका है। लेकिन केशवदास जी आगे लिखते हैं कि संवत 1791 भादरवा वध 14 बार गुरुवार पहर दिन चढ़ते किताब मार्फत सागर तमाम हुई। जिल्द जब बांध ली जाती है 14 ग्रंथ की, तब ये लिख रहे हैं कि मार्फत सागर ग्रंथ की जिल्द बंध गई तो वह तिथि डाली जा रही है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मार्फत सागर 1751 में उद्धृत हुआ, क्योंकि ये जो समय है श्री जी के अंतर्धान लीला के 2 महीने के बाद की तिथि। आपको विदित होगा कि सावन के महीने में सावन की 5वीं सदी तक शुरू होती है और यह तिथि कुछ और दी गई है। इसलिए किस प्रसंग में कौन सी बात कही गई है, यदि हम उसको अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर के नहीं विचारेंगे तो समाज में अनर्थ हो जाएगा। जैसे कि ये विचारधारा बड़ी बड़ी महान हस्तियों के द्वारा प्रचारित की जा रही है कि शरीर छोड़ते ही सीधे परम धाम में पर आत्म में जागृति हो जाती है, और प्राणनाथ जी तो बहुत पहले चले गए। कोई कहता है कि सबको लेकर चले गए, केवल जीवों को छोड़ गए। कोई कहता है कि नहीं, अभी इस मसौदे को तो लेकर कोई भी कर सकता है कि कुछ को लेकर गए हैं और कुछ को यहाँ छोड़ कर दिए। हम ब्रह्मवाणी के कथन को अंतिम कथन माने, किसी भी ब्रह्मणि के कथन का वाणी से मिलान करके ही अर्थ करें। मूल चौपाइयों के आशय के विपरीत हम किसी का भी कथन लेंगे, चाहे नवरण स्वामी का कथन हो या किसी अन्य महापुरुष का कथन, हो सकता है भूल हो जाएगी, क्योंकि पूर्ण तो केवल राज्य
किसी भी महान से महान परमहंस से भी कोई भूल हो सकती है। यदि आप नवरंग वाणी को भी देखें, नवरंग स्वामी के अंदर नवरंग भाई की आत्मा मानी जाती है, जहां मुकुंद दास जी के चरण पड़ने के मैं तो धूल भी नहीं बन सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा किसी भी आत्मा से कुछ भी चूक हो सकती है। यदि तारतम वाणी के प्रकाश में देखा जाए, नवरंग भाई के साहित्य में भी कुछ न कुछ चूक हो सकती है। इसलिए हमारा सारा सिद्धांत तारतम वाणी के अनुकूल होना चाहिए। हम यह जाने कि राज्य आज भी महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है, तभी गुम्बद जी की महत्ता है। अन्यथा यदि महामती जी का ध्यान अवस्थित स्वरूप नहीं है, उस तक में राज्य के अवैध स्वरूप में विराजमान नहीं है, तो गुम्बद मंदिर भी अन्य मंदिरों के समान होता है। अपनी आत्मा के धाम हृदय में हम धनी को देखें, और जब तक एक भी ब्रह्म सृष्टि इस संसार में है, खेल खत्म नहीं हो सकता। कभी तभी तो वाणी में क्या लिखा है, मिने आवे दौड़ता सा कुंडल सा कुमार, रास खेल खर चल सिंह भीले इन बता। तो शकुंडल को तो दो छोड़ दिया, सकुमार को जगाए बिना राज्य चले जाएंगे क्या? कोई दूजा मरुंद कहा में एक मेहती पापुरम, खेल से रास मिल जागने 36,000 सैन्य। ब्रज में जैसे 24,000 स्त्री और 12,000 ब्रह्म सृष्टि थी, इस जागनी रास को भी खेलने वाला वही अक्षरातीत है जो ब्रज रास में था, और 36,000 को जगाए बिना कैसे वो करुण धाम जा सकता है। इसलिए केशवदास जी के इस मसौदे को बाह्य अर्थ में ना लेकर बातें नहीं अर्थ लेंगे तो शायद हम विवादों से बच सकते हैं। अब मेरा समय पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ ने तारतम वाणी की चर्चा और वाणी गायन का रसपान अवश्य किया है। आप देखेंगे इन 7 दिनों में आपको परमधाम की चितवनी के लिए प्रेरित किया गया है। वाणी हमारी आत्मा का हर है, अक्षरातीत के हृदय कमल से निकली हुई अमृत की वो धारा है, जिसकी एक बूंद भी किसी के हृदय में पड़ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। सारा संसार तो प्यासी नजरों से हमारी तरफ देख रहा है, लेकिन हम अकर्मण्य बने रहे हैं। हमने उचित निर्देशन के अभाव में, दूरदर्शिता के अभाव में कुछ किया है। हमारी कई कमियां रही हैं जिससे ब्रह्मवाणी आज संसार में नहीं फैल पाई। यदि हम फैलाए होते तो शायद धाम धनी की विशेष कृपा के पात्र होते। हम इसको छिपाते रहे, इसलिए संसार में हम भी अनभिज्ञ रहे। धनी ने तो कहा है, मेरी सुधित्व और को चले तुम्हारा हुक्म। हम संसार में हुक्म क्या चलाएंगे, हम तो खुद को भी संसार में उजागर नहीं कर सके कि हम परम धाम के ब्रह्मणी हैं और धाम धनी के छत्र छाया में संसार को मार्गदर्शन देने आए हैं। हम अपने स्वरूप को नहीं पहचाने, ये हमारी भूल रही है। आज आवश्यकता है कि हर सुंदर साथ तारतम वाणी के प्रकाश में जगे, अपने को स्त्री पुरुष बाल बच्चे और बूढ़े के रूप में ना देखें, बल्कि अपनी परात्म की भावना से अपने को देखें और अपने को इस माया से परे ले जाकर जागने के प्रकाश में ये उचित योगदान दें। यदि हर सुंदर साहब जो पढ़ा लिखा है, रविवार के दिन केवल 1 घंटे का समय निकाले, यदि हम घूमने फिरने के लिए समय निकाल सकते हैं रविवार को, रिश्ता में अच्छे भोजन करने के लिए समय निकाल सकते हैं, तो आप 1 हफ्ते में 1 घंटे का समय निकालिए। जिसके पास साहित्य है साहित्य बांटिए, जिसके पास वाक पड़ता है किसी को आप समझाइए सबके कल्याण की भावना से, तो निश्चित है कि एक एक मुट्ठी अन्न देने से जैसे घर भर जाता है, एक एक बूंद वर्षा के होने से जैसे तालाब भर जाता है, नदी नाले भर जाते हैं, चारों ओर ज्ञान का प्रकाश भर जाएगा। मैं यही शुभकामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आप एक दिन भी ऐसा नहीं रहेगा जिस दिन आप चित्रों ने किया। अगले वर्ष वार्षिकोत्सव होगा, आपको तिथि बता दी गई है कि 1 से 7 सितंबर तक होगा। आप बार बार ये आशा न कीजिए कि ज्ञानपीठ से निमंत्रण आएगा तो हम आएंगे। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जागरी न चलती रहेगी, हमेशा के लिए निमंत्रण किसको दिया जाता है, पराये को दिया जाता है। कार्यक्रम हो रहा है, अपने आप आ गए। कई महानुभाव कहते हैं कि आपका फोन नहीं आया तो मैं कैसे आऊँ, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। ज्ञानपीठ आपका है, जब भी कार्यक्रम हो आप आएंगे। चितवनी करने के लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है, ध्यान कक्ष के 24 कमरे खाली हैं। आपकी जब इच्छा हो वर्ष में कभी भी आइए, चितवनी कीजिए,
पुस्तकालय में बैठकर सुधाई कीजिए, अपनी आत्मा को जागृत कीजिए और सारे संसार के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कीजिए। बोलिए श्री राम।